कहां घुसे चले आया तुम मेरे कमरे में? हाँ नहीं वो मैं गेस्ट रूम का रास्ता। शट अप साले दो टके के लोग। ए यू बेटर वॉच योर टंग। क्या मारेगा मुझे? लड़ेगा तुम मुझसे? हाँ साले एक तो तुम हमारे घर में घुसकर बैठे हो, ऊपर से मेरे कमरे में। आउट। आई सेड आउट। मोहन मोहन ये सब बाहर निकालो, इसे निकालो बाहर, इसे आउट। पापा आपने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया? बच्चों मैं जानता हूँ कि कल से हम सब के मन में कुछ सवाल चल रहे हैं, लेकिन मैंने एक फैसला किया है। मैं इनके फैसले से सहमत हूँ। पापा मैं भी आपके फैसले से सहमत हूँ। पापा हम भी सहमत हैं। पर बच्चों जान तो लो कि मैंने क्या फैसला किया है। पापा क्या जरूरत है, आपने जो फैसला किया होगा बिल्कुल सही किया होगा। हम सब आपके साथ हैं। मीनाक्षी सामान बांधो, हम सब नागपुर जा रहे हैं। मैडम साहब ये क्या कह रहे हैं आप? प्रभाकर जी अच्छा हुआ कि आप यहाँ आ गए, वरना हम आपके पास आ ही रहे थे ये कहने के लिए कि हमें ये जायदाद नहीं चाहिए। प्रधान साहब कैसी बात कर रहे हैं? हाँ प्रभाकर जी हम विश्वनाथ भाई साहब के जज्बे की कद्र करते हैं। ये तो उनका बड़प्पन था कि उन्होंने हमें इस लायक समझा और अपनी जायदाद में हमें हिस्सेदार बना दिया, लेकिन हम लोग यहाँ करेंगे क्या? प्रधान साहब जल्दबाजी मत कीजिए, जो भी करना है सोच समझ के कीजिए। मैंने पूरी तरह से सोच लिया है प्रभाकर जी, मुझे और मेरे बच्चों को ये जायदाद नहीं चाहिए। मैंने पेपर्स भी तैयार करवा लिए, इस पर मैंने दस्तखत भी कर दिए। हम लोगों को नाथ साहब की प्रॉपर्टी का कोई भी हिस्सा नहीं चाहिए। मगर नाथ साहब की आखिरी इच्छा। ए बुड्ढे मेरी बात ध्यान से सुन। ए तू तमीज से बात करा। ए क्या तू 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 तमीज सिखाएगा मुझे? तू हाँ तू तमीज सिखाएगा? ए सुन ये तेरा बेटा है ना, सुबह मेरे कमरे में घुसा था, तब तो मैंने उसको कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर 24 घंटे के अंदर तुम लोग यहाँ से बाहर नहीं गए ना तो मैं चुप नहीं बैठने वाला, बता रहा मैं तुम लोगों को। सनी बेटा सर। क्या सनी बेटा, क्या सनी बेटा हा? तुम लोगों को जब तक उठाकर बाहर नहीं फेंक देते ना तुम साले बाहर नहीं आते हो। तुम तुमसे जो बनता है कर लो।